गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे दिस इज योर SST बुक और इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डन एक्सप्लेनेशन. नाउ टुडे वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, आवर एनवायरमेंट. ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 23. ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज इज टेक द राइट आंसर. ओके, नाउ देयर आर डैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. ओके, यूज ऑफ लाउड स्पीकर कॉज नॉइज पॉल्यूशन. ओके, ऑप्शन ए. नाउ थर्ड वन इज यूज ऑफ केमिकल लाइक पेस्टिसाइड्स cause land pollution. Okay, cause land pollution, not air pollution, not noise pollution. Okay, land pollution. Washing of clothes in village ponds cause water pollution. अगर हम विलेज पॉन्ड में धोते हैं कपड़ा तो क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है. फिर नेक्स्ट वन इज द डैश कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. एनवायरमेंट, व्हाट एनवायरमेंट, ऑप्शन ए एनवायरमेंट. ओके, क्वेश्चन, और ये आपका क्वेश्चन आंसर है. ये मैं आपको इसका PDF, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन का PDF बन के जाएगा. और आप अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स. क्या है, लेट्स सी. Exhaust fumes from vehicle is the main cause of, जो vehicle से जो pollution, जो हवा निकलती है, fumes जो उसके धुएँ निकलते हैं, वो उससे क्या होता है, वो air pollution. उससे क्या होता है, air pollution. Use of loud speaker cause dash noise pollution. We can save the environment by planting trees. Litter is harmful. All living and non-living things make up the environment. Growing more trees helps to keep the air clean. Now once again we will repeat it. Exhaust fumes from vehicles is the main cause of air pollution. Use of loudspeaker cause dash noise pollution. We can save the environment by planting trees. Litter is harmful. All living and non-living things make up the environment. Growing more trees helps to keep the air clean. Okay, now next one. क्वेश्चन डी एक्सरसाइज, ये आपको बुक में फिलअप करना है. ठीक है, सारी ये जैसे मैम ने किया हुआ है ना, मैंने वैसे ही आपको अपने बुक में क्लियरली ध्यान से देख देख के बुक में फिलअप करना है. और फिर इसकी
फ़ोटो क्लिक करके, जैसे आपने फिलअप कर लिया है, वर्क अपना कंप्लीट कर लिया है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी, टिक थिंक एंड टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड पुट अक्रॉस बाय द इनकरेक्ट वंस, ठीक है। ट्रू और फॉल्स वाला है। थ्रैश थ्रोन इन द रॉन्ग प्लेस इज कॉल्ड लिटर, जो गार्बेज होता है, जो कूड़ा करकट होता है, उसे हम गलत जगह पे फेंकते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लिटर। इज ट्रू राइट। न्यूज़पेपर एंड ओल्ड बुक्स कैन बी रिसाइकल्ड, राइट। रिसाइकलिंग आइटम इज अ बैड प्रैक्टिस, नो, इट इज अ गुड प्रैक्टिस। वी शुड कट ट्रीज टू मेक द एनवायरमेंट क्लीन, क्या हम कट करते हैं ट्रीज को, नहीं, हम उसको उगाते हैं। वी शुड थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, यस ट्रू, वी शुड थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन इज ट्रू। नाउ वंस अगेन आई विल रिपीट इट। Trash thrown in the wrong place is called litter. Newspaper and old books can be recycled. Recycling item is a bad practice. Wrong. We should cut trees to make the environment clean. Wrong. We should throw waste in the dustbin. Right. Now next one. Identify the name, the type ऑफ पॉल्यूशन, ये जो आपका आइडेंटिफाई करिए कि ये कौन कौन सा पॉल्यूशन है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये धुआं उड़ा रहा है ना, तो क्या होगा, एयर पॉल्यूशन, AIR पॉल्यूशन, PollutionN, ठीक है, ये आपको लिखना है यहाँ पे, एयर पॉल्यूशन। ये देखिए बहुत लाउड स्पीकर बज रहा है ना, बहुत लाउड स्पीकर बज रहा है, तो ये क्या होगा, नॉइस पॉल्यूशन, NOISE, नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, ये देखिए भैंस को पानी में, पॉन्ड में नहलाया जा रहा है, गंदगी किया जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, वाटर पॉल्यूशन, ये क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन। ये देखिए कूड़ा जो है, जितना कचरा है, गार्बेज है, इसको ज़मीन पे फेंका जा रहा है, तो ये क्या है, लैंड पॉल्यूशन, LAND, लैंड पॉल्यूशन, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख के अपनी बुक में फिलअप कर लीजिएगा। नाउ मैच द फॉलोइंग, मैच ईच टर्म विथ इट्स डेफिनेशन। प्लांट क्या है, प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनाइज्म, ठीक है, प्लांट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एनवायरमेंट क्या है, जो हमारे चारों तरफ है, उसे हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंट है। लिटर क्या है, वेस्ट थिंग, लिटर क्या है, वेस्ट थिंग। एयर पॉल्यूशन, स्मोक मेकिंग डर्ट, मेक द एयर डर्टी, स्मोक मेकिंग द एयर डर्टी, जो धुआं उड़ता है उससे, उसकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, अनवांटेड लाउड साउंड। ये आपको फिर से देखिए एक बार, प्लांट क्या है, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनवायरमेंट क्या है, सराउंडिंग। लिटर, वेस्ट। पॉल्यूशन कहाँ गया, पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन मेकिंग डर्टी, ओके। एयर पॉल्यूशन क्या है, अनवांटेड स्मोक मेकिंग द एयर डर्टी। नॉइज पॉल्यूशन क्या है, अनवांटेड लाउड साउंड, ओके। अब ये देखिए, ये एक्टिविटी है, इसको भी करना है।
आई ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन. यस, इसमें येस और नो और समटाइम्स, हाँ कभी, हाँ नहीं और कभी कभी का आंसर देना है. ठीक है, ये एक्टिविटी है, इसको भी आप टिक मार्क कर दीजिएगा अपनी बुक में. आई ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन. येस. आई स्विच ऑफ द लाइट व्हेन नॉट इन यूज़. जब लाइट का यूज़ नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसको स्विच ऑफ कर देते हैं. आई प्ले विथ फायर क्रैकर्स. नो, हम क्या करते हैं, हम फायर क्रैकर्स के साथ नहीं खेलते हैं. आई यूज़ बोथ साइड्स ऑफ पेपर फॉर राइटिंग. हम दोनों साइड के पेपर पे लिखते हैं. आई क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग माई टीथ. हम जब नल बंद कर देते हैं, कब, जब हम ब्रश करते रहते हैं तो नल बंद कर देते हैं. हाँ, आई स्विच ऑफ द कंप्यूटर व्हेन आई फिनिश माई वर्क. जब हम अपना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो हम अपना कंप्यूटर क्या करते हैं, बंद कर देते हैं. आई ऑलवेज लिसन टू लाउड म्यूजिक. नो, हम हमेशा स्लो म्यूजिक सुनना चाहिए, कभी भी लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए. उससे क्या होता है, उससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है. आई थ्रो रैपर्स एंड बनाना पील ऑन द रोड. नो, मैं जो बनाना पील है और ये जो ये छिलका है, रैपर्स हैं, ये सब क्या करते हैं, हम डस्टबिन में फेंकते हैं, इसको हम इधर उधर जगह पे नहीं फेंकते हैं. ठीक है. आई मेक अवेयर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स टू सेव एनर्जी. हम एनर्जी सेव करने के लिए उनको बताते हैं, नेबर्स को, फैमिली को, फ्रेंड्स को. आई लाइक टू प्लक फ्लावर्स एंड लीव्स. नो, फ्लावर्स को तोड़ना नहीं चाहिए बेटा, जब आप तोड़ लेंगे तो वो मुरझा जाएगा, पेड़ में रहेगा तो अच्छा लगेगा. अब इसमें से आपको ये करना है कि ये 6 क्वेश्चन, अगर 6 आंसर 6 से कम पाया आपने तो आप अपनी हैबिट्स को चेंज करिए. ओके, ये एक्टिविटीज़ है. डू दिस विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. पुट ऑन ग्लव्स एंड टेक अ कलेक्शन बैग फ्रॉम ग्रुप्स एंड कलेक्ट लिटर इन आवर. ये है कि आपको कचरा उठाना है, तो ये एक्टिविटी कोई आपके काम की नहीं. नॉट दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड. सो आप इसको ध्यान से अपनी बुक में फिलअप कर लीजिएगा और फिर मुझे फ़ोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा. ओके, ये आपका चैप्टर 3 का एक्सरसाइज वीडियो है और पिछला मैंने जो दिया है वो है एक्सप्लेनेशन वीडियो, और क्वेश्चन आंसर जो है ये आपका, ठीक है, ये देखिए इधर है, ये क्वेश्चन आंसर जो है ये आपका PDF बन के जाएगा. ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन आंसर है और वर्ड मीनिंग, ये आपका PDF बन के जाएगा. ओके, नाउ आप इसको फिलअप करिए. नाउ हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड टेक केयर.